हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको अरबी की पत्ते की सब्जी बनाना कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। इसको कई तरह से बनाते हैं, पर मैं इसको काट कर बना रही हूँ। एक तो बंद करके धागे से लपेट कर बेसन पैक करके भी बनाते हैं, पर मैं ऐसे काट कर बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने अरवी को पत्ते को काट कर ऐसे ही बड़े बर्तन में लेके इसमें बेसन मिलाया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। मसाले भी डाल दिए इसमें, हल्दी, धनिया। धनिया मेरे पास कम पिसा हुआ था तो मैंने, अभी इसमें दिख नहीं रहा है तो कम ही डाला है। मिर्ची डाल दी, बेसन भी डाल दिया। बेसन तो मैं बीच बीच में डाल ही रही थी। और अब मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद दिया, जैसे आटे को हम गूंदते हैं वैसे इसको हमने गूंद दिया बिल्कुल अच्छी तरह। और अब मैं इसमें अजवाइन डाल दूंगी, जो कि इसमें बहुत ज़रूरी होती है। अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने थोड़ा सा धनिया और पीस कर इसमें डाल दिया था। और अब मैं इसको छोटी छोटी गोलियां बना रही थी, मतलब गोल तो बना रही थी पर उसको थोड़ा सा दबाकर अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके गोल गोल जैसे बनाकर रख दिए फिर मैंने। और ये एक मतलब इसको फ्राई भी इस टाइम आप कर सकते हैं, पर मैंने इसको पहले कुकर में सीटी लगा दी। मेरे पास लकड़ियाँ नहीं थी, हम लकड़ियाँ रखते हैं चारों तरफ को। सबसे पहले मैंने पानी डाला, तेल डालना था वो भूल गई थी मैं, फिर मैंने बाद में डाला थोड़ा सा तेल। और फिर मैंने चम्मच लिए, लकड़ी के बदले चम्मच रख दिए ताकि इसमें नीचे ना लगे। और पता ही नहीं लगा कि कैमरा कहाँ लग रहा है, बहुत हिल रहा था अपने आप। हम जब कैमरे को पकड़ते हैं और अपने आप ही काम करते हैं बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। बस अब ऐसे ही मैंने ये रख दिए थे और इसमें बस ये दो सीटी आई और ये इतने अच्छे पक गए थे। और जब ये ना पक गए थे ना, तो मैंने ना उनको ठंडा होने दिया, मतलब गरम गरम नहीं है हम इसको उठा सकते, न तो ये ख़राब हो जाते हैं, मतलब पिघला होता है, बिल्कुल नरम हो जाते हैं ये। अरबी की सब्जी आपको ये वाली तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि बारिश लगी हुई थी तो मुझे, हम हमेशा इसमें लकड़ियाँ रखते थे तो लकड़ियाँ नहीं मिली। फिर मैंने इसको, जब ये ठंडी हो गई, फिर मैंने इसको निकाला, फिर मैंने इसको हल्का हल्का सा फ्राई किया, क्योंकि फ्राई करने से वो टेस्ट आ जाता है इसमें। और फिर मैंने इसमें तड़का लगाना शुरू कर दिया। और इसको जब मैंने इन टुकड़ों टुकड़े किए, मतलब इस गोलियों के, इनके जो मैंने ये बनाए हुए थे इसका टुकड़े किए, दो दो टुकड़े, तीन तीन टुकड़े ऐसे करके, मतलब इसका थोड़ा सा चौड़ा सा बना दिया था। फिर मैंने इसमें तड़का लगाया और दही के साथ, दही रायता मतलब बूंदी वाला वो बनाया था, उसके साथ खाया। बड़ी यम्मी और टेस्टी बनी हुई थी ये वाली सब्जी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। बस इसको ऐसे सिंपल तड़का लगा रहे जैसे हम और सब्जियों में लगाते हैं, वैसे ही लगा रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जीरा धनिया डाल दिया था, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। नमक अपने हिसाब के से डालें आप, क्योंकि मैंने पहले भी डाला हुआ तो मैं नमक कम ही डालूंगी। और हल्दी भी डाल दी है, हरी सब्जी में पता ही नहीं चलता हल्दी का। और मैंने मिक्स मसाला भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी अपने हिसाब से, क्योंकि पहले मैंने जब इसको
मिलाया था तब भी मैंने मसाले सब डाले थे, तो अभी मैं कम ही डाल रही हूँ। और अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, और इसमें मैंने पानी डाल दिया। इसको मैं बहुत अच्छी तरह पका दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें मिक्सी में ग्राइंडर नहीं किए, टमाटर ऐसे ही डाले हैं। इसमें टमाटर में टाइम लगता है पकने में, जब तक ये अच्छी तरह ना पक जाए तब तक मैं इसको पानी में अच्छी तरह पकने दूंगी, नहीं तो बिल्कुल सबूत रह जाएंगे टमाटर, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। जब तक ऑयल छोड़ दे फिर मैंने डाली इसमें सब्जी, और थोड़ा सा पानी भी डाला इसमें। इसमें अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर वैसे मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था इसमें। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनी थी, और आप भी बनाना, और आप मुझे बताना कि ये वीडियो